कोरोना की महामारी में जब सब लोग घर में बैठे थे और डरे हुए और सहमे हुए थे, उस वक्त ये बच्चे अपने वालदेन से निकल के बाहर, घर से बाहर निकल के यहाँ आए और इन्होंने लोगों की सेवा की। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सरकारी दाव पेज पे जाऊँ तो शायद उसमें बात नहीं बने, क्योंकि सरकार के अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे, लेकिन मैं समाज की तरफ से, ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले गोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि एक मिनट में पूरा बोल सपाचट। सरकार से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे सामाजिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान को बचाया, वो अगर सड़क पे बैठे हों तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। सरकार को चाहिए, आज इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने PHC खुल रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि मैन पावर की कमी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकारी दायरे से बाहर निकल के इंसानियत के दायरे में और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जो लोग ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये सियासत नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, हर आदमी की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान से खेल के किया वो सड़क पे नहीं बैठने चाहिए। ये उन लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो वो है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, मेरा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है, मेरे सरकार के अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि वो बराए मेहरबानी इनकी बात को कानूनी दायरे से बाहर सोच के ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे और इनकी कुर्बानियों को देख के, इनके जज्बे को देख के, इनकी मेहनत को देख के इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें ताकि ये सड़कों पे ना बैठे। सड़क पे इनका बैठना मैं समझता हूँ समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है।